फरीदाबाद में बीजेपी कार्यकारिणी बैठक का आज शाम समापन हो गया। इस बैठक में मुख्यमंत्री समेत राष्ट्रीय महामंत्री, प्रदेश के प्रभारी और राष्ट्रीय संगठन मंत्री रामलाल ने भी हिस्सा लिया। दूसरे दिन की इस बैठक में आज 4 सत्र रखे गए थे जिनमें विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। बैठक के चौथे सत्र में समापन के बाद बाहर आए मुख्यमंत्री ने मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए बताया कि आज प्रदेश कार्य समिति की बैठक संपन्न हुई है जिसमें राष्ट्रीय महामंत्री, प्रदेश के प्रभारी और राष्ट्रीय संगठन मंत्री रामलाल ने भी सभी को संबोधित किया। गौरतलब है कि इस बैठक में शामिल होने से पहले अरावली पहाड़ों में स्थित मंगार बनी क्षेत्र का मुख्यमंत्री देश दौरा किया था और जरूरी दिशा निर्देश दिए थे। इस सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्हें लंबे समय से शिकायत मिल रही थी कि इस क्षेत्र में लोगों ने अपनी जमीन बेचनी शुरू की है। ऐसे में पर्यावरण की दृष्टि से मान नगर बनी क्षेत्र को सुरक्षित रखना जरूरी था, इसलिए उन्होंने खुद क्षेत्र का दौरा किया और आदेश दिए कि मंगार बनी के 500 मीटर के दायरे में कोई निर्माण नहीं होगा, क्योंकि अरावली पहाड़ियों के बीचों बीच मंगार बनी के पास एक मंदिर भी है और पास में एक गांव भी लगता है। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री द्वारा प्लास्टिक की बोतलों के बहिष्कार के सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्यावरण की दृष्टि से प्लास्टिक की बोतल से बहिष्कार की अपील उन्होंने की, जिस पर पार्टी के सभी लोगों ने मोहर लगा दी। अब भविष्य में वह सब लोग प्लास्टिक की बोतल का इस्तेमाल नहीं करेंगे बल्कि कोई और विकल्प चुना जाएगा। प्रदेश कार्य समिति की बैठक होती है, हमारा जो संगठनात्मक कार्यक्रम हर 3 महीने में होता है। अभी भी प्रदेश कार्य समिति की बैठक में हमारे राष्ट्रीय महामंत्री, प्रदेश के प्रभारी और ऐसे ही राष्ट्रीय संगठन मंत्री श्री रामलाल जी, उन्होंने अपना मार्गदर्शन दिया और संगठनात्मक बातें सारी प्रदेश अध्यक्ष जी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताएंगे। प्लानिंग नहीं है, देखिए कुल मिलाकर इस क्षेत्र के अंदर जो शिकायतें हमको मिलती रही हैं कि पर्यावरण को बनाए रखने के लिए खास करके ये जो मांगड़ बणी का जो क्षेत्र है इसको सुरक्षित रखना ज़रूरी है। इसमें जो शिकायतें मिली कि यहाँ कुछ लोग उन्होंने ज़मीनें अपने बेचनी शुरू की हैं और मांगड़ बणी को समाप्त करने की बात जो उनके द्वारा चलाई जाती है उसको हमने सुनिश्चित किया है कि मांगड़ बणी का जो दायरा है उसमें 500 मीटर के अंदर कोई कंस्ट्रक्शन नहीं होगी, उसको सुरक्षित रखा जाएगा। पहले मैंने केवल हवाई दौरे से देखा था, आज नज़दीक जाकर के देखा है, बहुत अच्छा एक सुंदर बणी है, उसके अंदर एक बीच में मंदिर भी है, पास में गांव भी है। वहाँ की सड़क का एक मसला वहाँ के लोगों ने उठाया, एक विद्यालय का मसला उठाया। इस क्षेत्र में मुझे आना था इसलिए मैं उसको देखने के लिए गया था, मुझे अच्छा लगा। मैं स्वागत करता हूँ इस बात का क्योंकि अभी तक हमने सरकार में ये विषय तय किया था और सरकार के किसी कार्यालय में किसी कार्यक्रम में जो प्लास्टिक की बॉटल्स हैं बिस्लरी की वो बंद कर दी हमने, ताकि रीयूजेबल जितने भी आइटम्स हैं उसी का यूज़ किया जाए, चाहे वो शीशे की बॉटल हो, चाहे मिट्टी के बर्तन की कोई बॉटल हो अथवा मेटल की हो, उसका उपयोग करेंगे। आज पार्टी के लोगों ने भी इस पर मोहर लगा दी और पार्टी में भी अब ये प्लास्टिक बॉटल यूज़ नहीं होंगे, पर्यावरण की दृष्टि से बहुत आवश्यक है और इस प्रकार के कदम आगे जनता में भी इस प्रकार का एक रिस्पॉन्स अगर मिलता है तो बहुत अच्छा रहेगा।